हेलो एवरीवन, वेदम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक एंड कमेंट। सो लेट्स मूव इन द क्लास। हेलो गाइस, एसबीआई क्लर्क का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसे आए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन आज हम उस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें क्या वेरिएशन हुआ, क्या चेंजेस हुए हैं, फॉर्म तो फिल हो चुके हैं, हमने अप्लाई कर भी दिया है, इतनी सारी 8000 से ज़्यादा हमारे लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, तो हम उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, और अब हमारे पास टाइम और बढ़ चुका है, तो क्या जिन्हें तैयारी कर रखी थी उनके लिए तो अच्छा है, वो और अच्छे से तैयारी करें, और जो लोग फॉर्म भर चुके थे और ये सोच रहे थे डेट बहुत क्लोज है, उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी है कि वो कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं ईजिली। तो आप लोगों को कैसे फोकस करना है, क्या करना है, आज उन चीज़ों पर भी हम काफ़ी फोकस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं एसबीआई क्लर्क ने अभी क्या क्या चेंजेस किए हैं। देखिए, एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन था वो आया हुआ था आपका 19 जैन को। देखिए, अब अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन तो आया था आपका 19 जैन को, और वैकेंसीज जो आई इस नोटिफिकेशन में वो थी 8301। एसबीआई क्लर्क ने इस बार जो वैकेंसीज निकाली है काफी अच्छी निकाली है, ऐसा नहीं है कि बहुत लेस वैकेंसीज है, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स इस बार अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर हम बात करें, अब इसमें मेन फैक्टर क्या रखता है आपके लिए, मेन फैक्टर ये है हमारा कि जो हम डिस्कशन करने वाले वैकेंसीज पर, आज जो एसबीआई की वैकेंसीज पे हम करने वाले हैं, एसबीआई पीओ भी अपकमिंग एग्जाम है आपका, क्लरिकल को पोस्टपोन कर दिया गया है। जो आज डिस्कशन मेन वो है क्या है, जो आपका एग्जाम मार्च अप्रैल में होने वाला था, मार्च एंडिंग में स्टार्ट होने वाला था, अप्रैल फर्स्ट और सेकंड वीक तक रहता, वो पोस्टपोन कर दी गई है डेट, और वो पोस्टपोन होकर चला गया है जून जुलाई में। तो आपके पास अभी टाइम और ज़्यादा है दोस्तों, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड यू हैव टू ग्रैब इट। तो आप उसको कैसे अचीव करो अपने गोल को, उस पर डिस्कशन जो होगा आज हमारा वही होगा। तो पहली बात तो नोटिफिकेशन आया था आपका 19th को, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी आपकी 20th जैन से, जो कि रही है आपकी 10th फेब तक। उसके बाद अभी सडन नोटिफिकेशन आया ऐसा कि जो एक्सटेंड कर दी गई है आपके एग्जाम की डेट। ऐसा जनरली बैंकिंग में होता नहीं है कि डेट एक्सटेंड कर दी जाए, एसएससी में तो हम सबने सुन रखा था, लेकिन ये बहुत ऑकवर्ड है, बहुत रेयर है कि ऐसा किया जाए, लेकिन ऐसा हो गया है। तो अब जब हुआ है तो यहाँ पर कोई रीज़न नहीं, ऐसा कोई रीज़न सच एस बताया नहीं गया है, बस डेट एक्सटेंड कर दी गई। अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मेंस की डेट है वो पहले क्या थी, प्रीलिम्स की तो मैंने आपको बता दी, मार्च अप्रैल से जून जुलाई हो गई है। मेंस की डेट थी जो पहले डिसाइड थी वो थी 12 मई, 12 मई को आपका जो टेंटेटिव डेट्स थी वो क्या थी, 12 मई, लेकिन अब वो चेंज होके हो गई है आपकी 5 अगस्त को आपका अगर मेंस कंडक्ट किया जाएगा वैसे, जो इसका मेंस होगा वो। अब बात करते हैं, चलिए ये तो हो गई कि अभी हमें डेट एक्सटेंड हो गई है, सर हमें आप प्रिपरेशन कर रहे थे, चलो बढ़िया है, किसी किसी को लगा होगा अभी हो जाता तो अच्छा रहता, चलिए सबका ध्यान रखते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी डेट एक्सटेंड होती है और हमें टाइम के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए, अच्छी बात तो उन लोगों के लिए भी है जिनने फॉर्म जरूर भरा था लेकिन वो प्रिपेयर नहीं हो पाए थे, अब उनके पास टाइम जोन काफ़ी ज़्यादा है, आप अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए पैटर्न पे पहले बात कर लें, क्या एसबीआई ने कोई चेंजेस किए हैं। पहली बात तो एसबीआई का पैटर्न क्या है, तो देखिए एसबीआई के एग्जाम में अगर आप क्लरिकल की बात करो तो क्लरिकल में होता है आपका सबसे पहले प्रिलिम्स। प्रिलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रिलिम्स में ऐसा क्या है, प्रिलिम्स में आपके रहते हैं 3 सब्जेक्ट, पेपर रहता है 100 मार्क्स का, टाइम रहता है आपके पास 60 मिनट्स। क्या इसमें माइनस मार्किंग है, हाँ इसमें माइनस मार्किंग है, 1/4 है, मतलब आपका हर क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स कटते हैं। अब बात की जाए सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट हैं, पहला है आपका क्वांटिटेटिव मतलब एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं, दूसरा है आपका जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, तीसरा है आपका इंग्लिश। अभी क्या इसमें कोई चेंज किए गए हैं, हाँ इसमें कुछ चेंज किए गए हैं, पहले एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में टाइम स्लॉट डन नहीं होता था, मतलब किसी पर्टिकुलर जोन को लेके, मतलब आपके 3 सेक्शंस हैं,
मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, उसके लिए आप कभी भी किसी भी जोन में जा सकते थे और पेपर सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी आपको हर सेक्शन के लिए 20 मिनट दिए जाएंगे, मतलब आप समझो इक्वल टाइम इंटरवल में बांट दिया गया है आपका एसबीआई क्लर्क का टाइम स्लॉट। क्या इससे फर्क पड़ेगा? जी हाँ, इससे फर्क पड़ेगा। कैसा फर्क पड़ेगा? पहले जब हम अटेम्प्ट करते थे तो हम अपना मोस्ट टाइम दे रहे थे मैथमेटिक्स, जो हमारा ज़्यादातर टाइम होता था वो हम दे रहे थे मैथमेटिक्स को, रीजनिंग को, वहाँ पर हम अटेम्प्ट बढ़ाते थे और इंग्लिश में लास्ट में आते थे, तो वहाँ पर हमारा क्या होता था, मार्जिन काफ़ी बढ़ जाता था। अब आपको मैथ्स में जो आप 25 मिनट्स एक स्टैंडर्ड टाइम था पहले अटेम्प्ट करने का, उसे लेस कर दिया है 20 मिनट, तो वहाँ पर आपके कम होंगे मार्क्स, अटेम्प्ट थोड़े कम हो जाएंगे पहले से, लेकिन जो इंग्लिश को आप 15 मिनट्स देते थे वो बढ़ के 20 हो गए, तो वहाँ मार्जिन में एक्यूरेसी बढ़ गई है। पहले इंग्लिश का जो कट ऑफ रहता था, कई लोग जो मैक्सिमम अगर एस्पायरेंट्स देखे जाएँ जो इसके लिए बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ज़्यादातर अटेम्प्ट में ही प्रॉब्लम हो जाती थी। हम यहाँ पर तो अच्छा स्कोर कर लेते थे मैथ्स में, रीजनिंग में हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन इंग्लिश को हम टाइम ही नहीं देते थे और वहाँ हम कई बार सेक्शनल कट ऑफ में रह जाते थे। तो देखिए यहाँ पर दो एडवांटेज हुए हैं आपके साथ, पहला तो टाइम स्लॉट बांट दिया, तो इसमें आप कट ऑफ का क्या होगा एक्सपेरिमेंट है पहला, मेरे हिसाब से कट ऑफ पहले से तो कम जाएगा। और दूसरी बात अगर हम बात करें, यहाँ पर जब रिजल्ट आता था पहले सेक्शनल कट ऑफ की बात होती थी, आप लोग मेरी बात समझ लो, यहाँ पर किया क्या गया है, टाइम स्लॉट को सेक्शंस में बांट दिया गया है। और जो बैंकिंग में होता था कि आपको ओवरऑल तो निकालना ही है मार्क्स, उसके बाद आपको हर सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ निकालना रहता था, जैसे इंग्लिश का अगर जनरल में गया 8 नंबर, तो आपके ओवरऑल भले ही कितने भी हो, अगर आप 8 नंबर नहीं लाए हो इंग्लिश में तो आप नहीं निकाल पाओगे इसमें, तो मतलब सेक्शनल कट ऑफ था। लेकिन अब इस बार से सेक्शनल कट ऑफ हटा दिया गया है एसबीआई के द्वारा, मतलब एसबीआई क्लर्क में इस बार सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे पास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली क्या है, 20-20 मिनट का टाइम स्लॉट कर दिया गया है। दूसरी बात अगर हम करें यहां पर, तो दूसरी बात है आपका सेक्शनल कट ऑफ हट गया। क्या सेक्शनल कट ऑफ हटने से कट ऑफ में कोई वेरिएशन आएगा? हाँ, ऐसा वेरिएशन आ सकता है। अब जो कट ऑफ है वो या तो ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि टाइम स्लॉट बन चुका है, लेकिन अब एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा और इंग्लिश में भी जो कट ऑफ है, अगर सेक्शनल होता तो बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन अब इंग्लिश में भी आपको टाइम दिया जा रहा है बिल्कुल 20 मिनट, आप मन मर्जी से कोई टाइम अब नहीं ले सकते हो। तो ये तो रही हमारी प्रीलिम्स की बात, अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेंस का जो आपका पेपर होता है वो भी अब सेक्शनल वाइज, आपको पता है सेक्शन वाइज कर दिया गया है, वहां तो पिछले साल से ही टाइम स्लॉट पार्ट दिया गया था सेक्शन वाइज, तो क्या मेंस में होगा सेक्शनल कट ऑफ? जी नहीं, अभी तक जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके थ्रू अगर हम देखें, उसके द्वारा अगर हम देखें, तो अभी तक कोई सेक्शनल कट ऑफ की यहाँ बात नहीं की गई है, हटा दिया गया है अब तक। तो अब बात करते हैं हम कौन कौन से सेक्शंस आते हैं मेंस में। देखिए मेंस में अगर पहले हम बात करें, अगर मैं बात करूं इंग्लिश सेक्शन की, सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन जो आपका है वो 40 मार्क्स के आएंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम मिलेगा आपको 35 मिनट्स। टाइम कितना मिलने वाला है फ्रेंड्स? 35 मिनट्स। अब मैं आपसे बात करता हूँ बाकी सेक्शंस की, आपको बाकी सेक्शन के बारे में अगर आप देखो, बाकी सेक्शन के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले इसके बाद हमारा क्या आता है, रीजनिंग, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ऐसा इसको नाम दिया गया इस बार, जनरल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, मतलब उसमें कंप्यूटर का भी पूछा जा सकता है ऐसा बोला गया, लेकिन पिछले साल का अगर पेपर देखें तो कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो ऐसा नहीं है कंप्यूटर नहीं पढ़ना, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है। अब यहां पर बात करें रीजनिंग, रीजनिंग में आपके रहेंगे 50 क्वेश्चंस, मार्क्स रहेंगे 60, तो आप ये देखिए उस सेक्शन में 50 क्वेश्चन तो वो पूछ रहा है लेकिन मार्क्स कितने दे रहा है आपको, 60। टाइम स्लॉट रहेगा आपका 50 मिनट्स का, टाइम कितने रहेंगे 50 मिनट्स के। अब बात कर लेते हैं इसके बाद हम आके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, मतलब मैथमेटिक्स पे, तो इसमें जो आपका सेक्शन रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, 50 क्वेश्चंस, और आपको टाइम दिया जाएगा 50 मिनट्स। एट लास्ट हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कह सकते हैं आप, बैंकिंग अवेयरनेस भी कह सकते हैं, इसमें पूरा ओवरऑल स्लॉट आ जाता है। तो जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस में आपके क्वेश्चंस रहेंगे टोटल 50 और टाइम स्लॉट है आपका 25 मिनट्स का और इसमें मार्क्स रहेंगे आपके 50। तो ओवरऑल एनालिसिस में क्या निकल के आया, आपके पास टाइम है 2 आवर्स
40 मिनट्स का, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं 190, वो टोटल मार्किंग जो 100% मार्क्स का रहने वाला है, जो पेपर है आपका 190 क्वेश्चंस हैं 200 मार्क्स के, जो मार्किंग है 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हैं इस एग्जाम में 190 क्वेश्चन में से। तो अब यहाँ पर बात हुई मेंस की, कि मेंस के बाद कोई स्लॉट है? जी नहीं, मेंस के बाद एक स्लॉट और है। मैंने जी नहीं जरूर बोला, लेकिन वो क्या है, ऐसा क्या है सर? देखिए, अगर हम देखा जाए उस स्लॉट को रखने का एक बहुत जो एक पैटर्न रखे, एक और लेवल आपके लिए रख दिया गया, उसको रखने का बहुत ज़रूरी एक रीज़न भी है। ऐसा रीज़न क्या है, दिमाग में आता कई बार, ऐसा रीज़न इसमें था क्या? ऐसा रीज़न इसलिए है क्योंकि देखिए, आप किसी भी रीज़न में हो, ठीक है, अलग अलग अगर आप देखो रीज़न्स की बात की जाए अगर, तो बंगाल रीजन पड़ता है, ठीक है, बंगाल में आपको बंगाली आनी चाहिए, अगर आप तमिलनाडु में तो आपको तमिल आनी चाहिए, गुजरात में हो तो गुजराती आनी चाहिए। ऐसा क्यों भाई? आप बैंक में हो, वहाँ का लोकल आदमी जो नहीं जानता इंग्लिश, जो नहीं जानता अदर लैंग्वेज, अगर वो आपसे आके बात करे और आपको ट्रीट करे, आप उसे ट्रीट करोगे? उसको कोई क्वेरी है तो वो गुजराती में ही पूछेगा, लोकल आदमी आ गया कोई वहाँ का जो नहीं है आर एज। तो बात वही है, बैंक में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उन्हें इतना एजुकेटेड रहना चाहिए, उनके एरिया के हिसाब से एरिया की जो लोकल लैंग्वेज है वो आना मस्ट होना चाहिए, तभी तो वो इंटरेक्ट कर पाएंगे कस्टमर्स से। तो आपका जो तीसरा लेवल है वो लैंग्वेज रखा गया है। आप गुजरात के हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, आप तमिलनाडु के हैं तो आपको तमिल आनी चाहिए। तो ये तो रही बात किसकी, लेवल्स की, कि भैया पहला प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर लैंग्वेज का टेस्ट है, दैट इज़ ओके। लेकिन अब आप ये सोचो, जिनकी प्रिपरेशन चल रही है अच्छी, जो अच्छा स्कोर करते हैं, जो प्रीवियस बैंकिंग एग्जाम्स दे चुके हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। पैटर्न फॉलो करो अच्छे से, प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम लोग अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियोस, उन्हें देखिए, अगर कोई क्वेरी आती है वो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, जिनका बिल्कुल नए नए हैं अभी, जो बिल्कुल प्रिपरेशन करने जा रहा है, जिनने फिल कर दिया फॉर्म, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, जिनने सोचा हमें बैंकिंग सेक्टर पर जाना, आपका बहुत अच्छी सोच है, आप बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप मन लगा के करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अब टाइम स्लॉट बढ़ चुका है। जो ये सोच रहे थे जिनके पास टाइम नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, उनके पास टाइम है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। डाउट फेस होता है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वी विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो ये तो दोस्तों था आज का हमारा जो SBI क्लर्क के ऊपर एनालिसिस है, जो अब उसमें चेंजेस हुए हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी, क्या पैटर्न है, उस पर हमारा ओवरऑल सिनेरियो था कि आपको कैसे क्या फोकस करना है, और आने वाले टाइम में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो हम आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे। और SBI क्लर्क पे भी हम जल्द ही कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे, जिससे आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the video.